आपको कैनवस पेंटिंग के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा। ये मूंग दाल के चीले, तो इसके लिए मैंने मूंग दाल को रात को भिगो के रखा था। काफ़ी सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है पेंटिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। लंच बन गया, ये है अरहर की दाल और जीरा राइस, और यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ। तो अभी जैसे दिन का टाइम है, तो अभी मैं पेंटिंग बना रही हूँ। तो जैसे लंच के बाद मैं पेंटिंग का काम करती हूँ कई बार, तो अभी आजकल मैं कैनवस पे बना रही हूँ एक पेंटिंग, जैसे वीडियो की डिटेल देखती रहती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं ये वाली पेंटिंग बना रही हूँ, तो ये बुद्धा की पेंटिंग है, और ये वाला जो है इसे, तो अगर जैसे आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा पेंटिंग सीखने का, तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अपने चैनल पे, तो उससे आप पेंटिंग सीख सकते हो। तो उसमें मैंने कई तरह की पेंटिंग्स डाल रखी है, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म भी। तो अभी हम आ रखे हैं मारुति के बॉडी शॉप में, और ये श्रीकोट में है, विशाल के बगल में है। तो अभी हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम यहाँ आ रखे हैं मारुति के बॉडी शॉप में। तो ये श्रीकोट में है, और हमारी जो कार है उसका कलर आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको कैनवस पेंटिंग के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा, और वैसे ही डेली जो एक्टिविटी होती है वो दिखाएंगे। और आज आपको यहाँ पे मारुति का जो बॉडी शॉप है वो भी दिखाएंगे, वहाँ हमने अपनी कार दे रखी है तो उस पर काम चल रहा है, तो वो दिखाएंगे आपको। और जो कार के ऊपर बहुत पहले पॉलिश कराई थी, तो उसका रिएक्शन हुआ धूप के साथ, और वो काफ़ी टाइम से उसका कलर उतर रहा था, तो शोरूम में ही कार को दिखाया था, और अब वहाँ पे उसका काम चल रहा है, तो वो थोड़ा सा दिखाएंगे। श्रीकोट का जो मारुति का बॉडी शॉप है वो, और कैनवस पेंटिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगी जो अभी मैं बना रही हूँ, और कैसे कैसे बन रही है, तो वो सब दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी नाश्ते में मैं बनाऊँगी मूँग दाल के चीले, तो इसके लिए मैंने मूँग दाल को रात को भिगो के रखा था, और सुबह मैंने मिक्सी में पीस लिया, और थोड़ा सा पानी भी डालते रहना है, और इस तरह का बैटर बना लेना है। अभी इस बैटर में मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, और इसमें मैंने बस नमक मिर्च डाली है और हरी मिर्च, और आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो। स्टफिंग के लिए मैंने जो घर पे पनीर बनाई थी, एक दूध फट गया था उससे, तो ये पनीर बनाई थी उसमें प्याज मिला दिए, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ नमक है वो ऐड कर रही हूँ, और वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये वाली स्टफिंग हम एंड में करेंगे जब चीला बन के रेडी हो जाएगा। और रात को मैंने हलवा बनाया था सूजी का, दूध वाला, तो इसमें मतलब सूजी को दूध में भिगा के रखते हैं, और फिर आधा घंटा, और फिर घी के साथ भूनते हैं, और जब वो खुलने लगती है सूजी अच्छे से, तब उसमें पानी डालते हैं, चाशनी। तो आज बनाएंगे हम मूँग दाल के चीले। मैंने तवा रख दिया है गैस पे, और सुबह हो रही है ऐसे, तवा गर्म हो चुका है, तो मैंने ये वाला तवा अलग से रखा हुआ है ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए, दो तवे यूज़ करती हूँ मैं। अभी बैटर की थिकनेस ऐसी है, और इसको सिंपल इसके ऊपर डालना है। अभी पहला चीला बना रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा है, उसके बाद तवा तेल सोख लेगा, मतलब ग्रीसी सा हो जाएगा तवा, तो उसके बाद हम तेल कम डालेंगे। अब इसको सिंपल फैला लेना है, जैसे आप लकड़ी चीला जो भी बनाते हैं सेम वो प्रोसेस है। जैसे तवे पे ग्रीस सा हो जाएगा, तो अब हम तेल की क्वांटिटी जो है कम करेंगे, इतना तेल नहीं डालेंगे, और इसके अभी बैक साइड जब हम इसे पलटेंगे भी तब भी तेल नहीं डालेंगे। तो इसे ऐसे फैलाते रहना है, तरह से ये चीला पकने लगा है, और इसने सारा तेल सोख भी लिया है, क्योंकि ये दाल का है तो ये तेल सोख लेते हैं। तो इसके बाद तो, और अभी मैंने तेल भी ज़्यादा डाला था, तो इसलिए इसकी जो लेयर है वो सही से निकल रही है बस इस। और यहाँ पे मैं हलवा गर्म कर रही हूँ, तो ये जब चीला दोनों साइड से सिक जाएगा तब हम इसमें स्टफिंग लगाएंगे। तो अब ये चीला बन चुका है, इसमें हम ये वाली स्टफिंग डालेंगे पनीर और प्याज की। तो सिंपल इसको ऐसे रखना है, थोड़ा सा फैलाना है, और इसको फोल्ड कर देना है। पनीर और प्याज को पकाना नहीं है, सिंपल ऐसी मैश करना है और डाल देना है, ये उसकी गर्मी से ही पक जाएगा। तो अभी एक चीला बन चुका है और दूसरा बन रहा है, और ये जो बैटर है इसे मैंने थोड़ा सा पतला किया है, तो इतना पतला बैटर रखना आप, तब ज़्यादा अच्छे चीले बनेंगे। वो पहले वाला बैटर था जो थोड़ा गाढ़ा था, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो जो चीला है उसके
देखिए अगर हम इस वाली कंसिस्टेंसी से बनाएं ऐसा जो घोल बनाया है ये, तो उससे वो इतना अच्छा बनेगा। तो मतलब ये डोसे की तरह बनेगा, जैसे आप उसमें खाते हो ना और शादी में या पार्टीज़ में जो मिलता है ना मूंग दाल का डोसा, वो यही है। तो इससे और पतला बन सकता है, तो आप वो भी बना सकते हो। तो जो बच्चे जैसे दाल वाल नहीं खाते तो उनके लिए ये सही है। तो अब हमारे मूंग दाल के चीले जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, और ऐसे मैंने इसके अंदर स्टफिंग करी है, तो वो चीले की गर्मी से ही सही हो जाती है। तो इसे गर्म गर्म खाना अच्छा लगता है, तो आप कोई भी चटनी या सॉस के साथ इसे खा सकते हो। तो चीले बन के रेडी हो चुके हैं। इस तरह से आप भी ब्रेकफास्ट में चीले बना सकते हैं, और काफ़ी सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और थोड़ा सा नया भी लगेगा आपको ब्रेकफास्ट में कुछ बनाया रेगुलर से थोड़ा डिफरेंट। अब हम बनाएंगे कैनवस पेंटिंग, और मेरी वहाँ पे वो पेंटिंग बनके रेडी हो चुकी है MDF बोर्ड पे। और ये कैनवस पेंटिंग के लिए मैंने कैनवस लिया था, तो इसकी रेट जो है 2250 है, तो डिस्काउंट करके दिया था उन्होंने मुझे थोड़ा, और डिस्पेंसरी रोड से ली थी ये मैंने। और मैं भी पहली बार कैनवस यूज़ करूँगी, तो इस तरह का रोल आता है, इसको खोलना है, ये सेफ्टी के लिए है कैनवस की। और इसको अब हम बाहर निकालेंगे। तो डायमेंशंस इसकी है 91 सेंटीमीटर बाय 5 मीटर, तो इतना ये चौड़ा आएगा। और इसको ऐसे निकालना है, बड़ा इस तरह का आता है कैनवस। तो ये एक तरह का कपड़ा होता है, तो इस तरह का रोल आता है कपड़े का, ये ऐसा, और इस पर हमें पेंटिंग बनानी होती है। तो अब मैं इसके ऐसा है ये रोल इसके अंदर, तो इस पर हम पेंटिंग बनाते हैं तो काफ़ी ड्यूरेबल रहती है। जैसे हम पेपर पे बनाते हैं या चार्ट पेपर पे पेंटिंग बनाते हैं, तो उसका फूलने का डर रहता है, अगर पीछे से सीलन वगैरह कुछ आई है आपकी वॉल पे, तो उनका फूलने का डर रहता है और पेंटिंग ख़राब भी हो सकती है। पर इसमें जो होता है ऐसा नहीं होता है, पर खैर वॉल तो आपको चेक करनी ही पड़ेगी कि उसमें सीलन वगैरह ना आए पेंटिंग के पीछे से। और वाटर कलर पेपर जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, ड्यूरेबल, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो छोटी पेंटिंग्स के लिए। तो इसको खोलेंगे तो ये इस तरह का है, तो इस तरह का ये 5 मीटर है कपड़ा सा, ऐसा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है पेंटिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छा है ऐसे है। तो इस पर जैसे चार्ट पेपर होता है वैसे ही है, ये कपड़ा है तो ये पतला भी चलता है, इस तरह का होता है, तो जैसे आप देख सकते हो ना कपड़े की तरह हो रहा है, तो ऐसा है। अब इसे अपने हिसाब से मैं कट कर लूँगी, मुझे किस साइज़ की पेंटिंग बनानी है उस हिसाब से मैं इसे कट करूँगी। और इसका रोल इस तरह का है, क्योंकि ये 5 मीटर लॉन्ग है रोल, तो इसलिए वो इस तरह का है। अब यहाँ पर मैं मेजरमेंट वगैरह लूँगी कि मुझे कितनी पेंटिंग बनानी है, कैसे बनानी है, और कट कर लूँगी। तो ये ऐसा दिखता है, और अगर इस पर कुछ मुझे बेस कोट करना होगा तो मैं देखूँगी करूँगी, अदरवाइज़ ऐसे भी ये सही लग रहा है। ये इसका बैक है और ये इसका फ्रंट है, तो ऐसा होता है कैनवस। अगर आप भी कभी पेंटिंग बनाना चाहो तो ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है इतना ही बड़ा लेना है, ये तो बड़ा वाला है, इसका हाफ ऐसे में भी आता है रोल, ऐसे लंबे में, तो 700 समथिंग का आता है वो। तो ये वाला जो कैनवस रोल है ये कैमलिन का है, तो इसका जो क्वालिटी है बाहर के ये जो दे रखी है इन्होंने पैकेजिंग बहुत अच्छी दे रखी है, तो रोल एकदम सही सा आया है, अंदर काफ़ी अच्छा आ रखा है, तो इस तरह का है। फिर इसमें क्या होता है, अब इसमें ये भी है, अगर मेरी कोई पेंटिंग सेल नहीं होती तो मैं उसको बना के वापस इसी में रख सकती हूँ। तो इसमें बैक पीछे से तो यहाँ पे बंद है, और फिर यहाँ से ये वाला कवर है, मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगी तो सेफली पेंटिंग भी सिक्योर हो जाएगी मेरी। बाकी इस तरह से है ये। अब मैंने कैनवस पे मार्जिन सेट कर दिया है, तो ये वाला जो कैनवस है ये 91 सेंटीमीटर है ऐसे में, तो ये चार्ट पेपर से थोड़ा बड़ा है, तो मैंने अब तक सिर्फ चार्ट पेपर के साइज़ की पेंटिंग ही बनाई है, तो ये इतना सा बड़ा है दोनों साइज़ से, यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा है और इस तरफ से भी बड़ा है, तो इस पर बनाएंगे पेंटिंग। तो ये अभी ऐसा दिख रहा है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और यहाँ से ये रोल हटा दूँगी और इसे पैक कर दूँगी। तो अब मैंने ये 3 पेंटिंग के लिए कैनवस कट कर लिया है, तो ये तो एक बड़ी पेंटिंग के लिए कट कर रहा है, तो इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, और ये फिर 2 पेंटिंग और है उसके लिए मैंने कट करा। वैसे मुझे इस पेंटिंग के लिए ही चाहिए था, पर ये साइड का जो बचा है इस पर भी मैं पेंटिंग बनाऊँगी। तो बुद्धा की पेंटिंग ड्रॉ होने के बाद ऐसी दिखती है, यहाँ पे पूरी दिख रही होगी, तो मैं भी फर्स्ट टाइम कैनवस पे बना रही हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कैसे बनेगी, पर ठीक है बनाते रहेंगे, कुछ तो बन ही जाएगा अच्छे से। तो बनाते हैं अब पेंटिंग को।
तो आज लंच में मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। तो यहाँ पे चौक बन रहा है, दाल मैंने बॉईल कर ली है और यहाँ पे चावल बन रहा है। तो अब दाल के लिए चौक भी बन के रेडी हो गया है, तो इसको मैं दाल में डाल दूँगी और फिर बॉईल पानी डालना है। तो अब हमारे लंच में अरहर की दाल भी बन गई है। तो जब दाल बन जाए तो उसमें ऊपर से आप घी डाल दो तो अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमारा लंच बन गया है, ये है अरहर की दाल और जीरा राइस। और यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ, तो आजकल मैं दही दिन में जमा देती हूँ जब रायते के लिए निकाल देती हूँ। तो ये घर पे जमाई हुई दही है, ऐसे जामुन बचता है उसमें आपको गुनगुना दूध डाल के फेंटना है अच्छे से और रायता और दही जम जाएगी। अब इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ नमक, तो ये मम्मी जी ने पीस रखा है नमक, थोड़ा सा ये डालना है। और मैंने इसमें सूखा पुदीना का पाउडर भी पहले ही डाल दिया है रायते में, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो जिन्हें हरी मिर्च पसंद है तो वो रायते में थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर आजकल बहुत तीखी मिर्च आ रही है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, रायता बन जाएगा। तो ऐसे ही जब खीरा आने लगता है तो रायते में थोड़ा सा खीरा थोड़ा सा प्याज डाल के भी बना लेते हैं तो सही बनता है। तो अब जैसे मैंने ये रायता बना दिया है, और नेक्स्ट डे के लिए ऐसे मैं दही जमा के रख देती हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, घर पे दही जमा सकते हो। और अब हमारी रोटी भी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी जैसे दिन का टाइम है तो अभी मैं पेंटिंग बना रही हूँ। तो जैसे लंच के बाद मैं पेंटिंग का काम करती हूँ कई बार, तो अभी आजकल मैं कैनवस पे बना रही हूँ एक पेंटिंग, तो वो मैंने दिखाई थी। और वीडियो भी मैं एडिट कर लेती हूँ दिन के टाइम ही, तो अभी एक वीडियो एडिटिंग हो चुकी है और अपलोड भी हो गया है वो। तो यहाँ पर जैसे वीडियो की डिटेल देखती रहती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं ये वाली पेंटिंग बना रही हूँ, तो ये बुद्धा की पेंटिंग है और ये वाला जो है इसे कैनवस बोलते हैं हम, जो मैंने दिखाया था शुरू में कैसा था। और इस पे मैं इस तरह की पेंटिंग बना रही हूँ। तो अभी तो यहाँ की थोड़ा सा लीव्स वगैरह कंप्लीट हुई है, इस तरह से लीव्स दिखती है यहाँ पे। और ये लोटस है, तो ये इतना काम कंप्लीट हो चुका है इस पेंटिंग में, तो इस तरह की है। तो अभी शाम के टाइम शाम तक मैं यही काम करूँगी थोड़ा, तो ऐसे ही थोड़ा सुबह कर ली सुबह तो टाइम इतना मिलता नहीं है, तो जैसे 11:30-12 बजे कर ली कभी पेंटिंग बना ली या वीडियो एडिट कर लिया। पर फिर शाम को जो 3-4 बजे से टाइम मिलता है तो मैं 7 बजे तक ये पेंटिंग वाला काम कर लेती हूँ, फिर वैसे ही बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर थोड़ा बहुत पेंटिंग आपको मैं दिखाती रहूँगी कौन कौन सी बना रही हूँ, और इनका थोड़ा थोड़ा ब्लॉग में डालती रहूँगी। पर ये वाली जो पेंटिंग है इसमें शेडिंग बहुत करनी पड़ती है, तो मैं कैमरा लगा के इसका सेटअप अभी नहीं कर रही हूँ कि शेडिंग वगैरह दिखाऊँ, क्योंकि मैं भी इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ। और जैसे प्रोफेशनल वीडियोज़ होते हैं तो उसमें काफ़ी वो कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं वो करते हैं, तो मैं ये धीरे धीरे बना रही हूँ, इसलिए मैं इसका वीडियो इतना डिटेल में नहीं बना रही हूँ पेंटिंग का। तो अगर जैसे आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा पेंटिंग सीखने का, तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अपने चैनल पे, तो उससे आप पेंटिंग सीख सकते हो। तो उसमें मैंने कई तरह की पेंटिंग्स डाल रखी है, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म भी डाल रखी है, और भी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मैं काम करती हूँ, तो वो आप उसमें देख सकते हो। और अगर इंटरेस्ट है और आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप वहाँ से पेंटिंग सीख सकते हो बनाना, तो इतना मुश्किल नहीं है बनाना, थोड़ा आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है कोई भी अगर आर्ट वर्क आप क्रिएट कर रहे हो, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो, छोटी पेंटिंग से स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ न्यू मतलब स्किल आप सीख सकते हो, पेंटिंग में भी अलग अलग तरह की पेंटिंग होती है। ये तो जैसे शेडिंग वाली है तो थोड़ी सी टफ लगती है, पर जैसे लाइन ड्राइंग वाली पेंटिंग होती है वो अलग है। तो जो लाइन ड्राइंग वाली पेंटिंग होती है वो थोड़ी सी आसान होती है, तो वो आप थोड़ा इजीली सीख सकते हो, क्योंकि इसमें लाइन्स ही बनानी है और शेडिंग नहीं देनी होती है। जैसे वर्ली पेंटिंग आपके पास एक ऑप्शन है, मधुबनी है और एपन पेंटिंग, तो इनमें थोड़ा लाइन्स ही ड्रॉ करनी होती है। और थोड़ा मंडाला पेंटिंग भी आप सीख सकते हो, वो भी काफ़ी ईजी है। तो इस तरह की पेंटिंग से आप शुरुआत कर सकते हो और बाद में फिर कैनवस पे शेडिंग वाली पेंटिंग कर सकते हो। तो अब जैसे मैंने काफ़ी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की पेंटिंग्स बना ली थी, तो इस बार मैं इस तरह की पेंटिंग बना के देख रही हूँ कैनवस, तो देखते हैं कैसी बनती है, और देखती हूँ ठीक ही बन जाएगी तो आपको दिखाते रहेंगे ब्लॉग में आगे भी। तो अभी हम आ रखे हैं मारुति के बॉडी शॉप में, और ये श्रीकोट में है, विशाल के बगल में है, यहीं गाड़ी ठीक करने के लिए दे रखी है, तो वो दिखाते हैं आपको। तो अभी हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम यहाँ आ रखे हैं मारुति के बॉडी शॉप में। तो ये श्रीकोट में है, और हमारी जो कार है उसका कलर उड़ सा गया था, क्योंकि इन्होंने पहले कभी उस पर पॉलिश कराई थी ऐसे ही बाहर से, तो उसका रिएक्शन हुआ धूप के साथ और उसका कलर उड़ गया था उससे और उसके आगे बोनट से। तो अब पूरी गाड़ी को ही पेंट करा दिया है, और जो छोटे मोटा काम था उसमें वो भी करा दिया है। तो अभी तो गाड़ी गंदी हो रखी है, धूल चढ़ी हुई है, उसके बाद दिखेगी कैसी है। तो ये तो आते रहते हैं रोज़ देखने के लिए, अब मैं आ जाई हूँ।
तो ऐसे है, तो अभी तो काम चल रहा है इस पर, तो अभी तो गंदी हो रखी है, थोड़ा साफ होने के बाद दिखेगी सही। तो ही कोर्ट में आई है मारुति का बॉडी शॉप, यहाँ पे आ रही, यहाँ दी है गाड़ी, तो इस पर पूरा पेंट हुआ है, पूरी गाड़ी पे ही पेंट कराया है वापस से। तो हमारा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि बाहर से आप पॉलिश या कोई भी वो करते हैं ना कि स्क्रैच हटा देंगे, वो ना ही कराएं तो सही है। ये इनका बॉडी शॉप है मारुति का श्री कोर्ट में, ऐसा है काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे एक ये गाड़ी आ रखी है, तो ये एक्सीडेंट वाली है, इसे भी वो सही कर देंगे। तो ये तो बहुत ही बुरी तरह से हो रखी है गाड़ी, ये भी सही हो जाएगी एकदम, यहाँ से बाहर जाने का है। तो बस अब कार को देख के फिर चलेंगे। तो ये कार का बड़ा काम था, ये करना था, इसका कलर उड़ गया था तो ये अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए करवा दिया इसे। तो बाहर से जैसे बाहर वाले कहते हैं हम पॉलिश कर देंगे, तो वो मत कराना, उससे ख़राब हो जाती है गाड़ी का पेंट जो होता है ओरिजिनल। तो ये वाली गाड़ी है यहाँ पे बॉडी शॉप पे, तो ये तो इतनी ज़्यादा पिचकी हुई है, और ये भी एकदम सही हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे।